नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रनफोर टेक्नोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, जिस तरीके से काफ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की वीडियो आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आज आपको एक ऐसा ऑटो दिखाने वाला हूं, आपने पहले ही कभी ऐसा रोड पर ऑटो नहीं देखा होगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हूँ, यहाँ पर ये ऑटो है, यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है ये तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन लुक का ये है। मैं आपको बता दूँ, कुछ ही दिन बाद ये रोड पर घूमने को आपको मिलेगा, कुछ ही साल बाद ये रोड पर घूमता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बैक साइड में दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल इसका जो गाड़ी का लुक होता है पीछे से, उसी तरीके से इसका लुक दिया हुआ है। ये खिड़की यहाँ पर आप खोल भी सकते हैं, लेकिन अभी ये लॉक है। इसके जो टायर हैं काफ़ी बेहतरीन, इसके टायर का डिज़ाइन बनाया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिज़ाइन मेड इन इंडिया, डिज़ाइनेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया पूरा टोटल इंडिया का है। यहाँ पावर स्टेशन है, जो ये चार्ज होगा, यहाँ पर जो बैटरी है यहाँ से चार्ज होगी, ये नो स्टॉप यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, जो इसकी लाइट की लुक है, ये काफ़ी बेहतरीन लुक है। जो शीशा है इसका, इस पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है, यहाँ पर जिस तरीके से लोग गाड़ियों में चढ़ा लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये फिल्म चढ़ा दी गई है। काफ़ी जो ये ऑटो है बिल्कुल फुल एयर कंडीशन ऑटो है, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन इसका किया है। यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है इसमें यहाँ पर एयर कूल्ड लिखा हुआ है। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन ये ऑटो है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन बाद आपको ये सड़क पर चलता हुआ दिखेगा। दोस्तों, इस ऑटो के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसकी पूरी जानकारी हम दे नहीं सकते कि कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, कैसे आप इसे परचेज कर सकते हैं और कब तक ये आने वाला है। लेकिन आंकड़ा ये लगाया जा रहा है, जो बताने में आ रहा है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक साल के बाद ये आपको रोड पर चलता फिरता दिखेगा। और दोस्तों, इसी तरीके के जो काफ़ी ऑटो हैं, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो दिखाता रहता हूँ, और जब भी ये रोड पर आएगा पहले इसका वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके।